हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम व्यापम कांस्टेबल 17 जुलाई 2016 के 12 PM के आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें हम मैथ और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन करेंगे और ये हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 5 होगा। इससे पहले हमने पार्ट 4 अपलोड कर दिए, यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। तो देखिए, पहले क्वेश्चन पे स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित आरेख का ध्यान से अध्ययन करें और प्रश्नों का जवाब दीजिए। डॉक्टर त्रिकोण डॉक्टर को दर्शाता है, वृत्त खिलाड़ियों को दर्शाता है और जो आयत है वो कलाकारों को दर्शाता है। तो मेन क्वेश्चन यहाँ से है कि हमें बताना कितने खिलाड़ी ना तो कलाकार है और ना ही तो डॉक्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए क्या किसे दर्शा रहा है। तो त्रिकोण डॉक्टर को दर्शा रहा है, तो ठीक है, यहाँ त्रिकोण बनाइए और यहाँ डॉक्टर लिख दीजिए, ठीक है। अगला क्या, वृत्त जो है वो दर्शाता है खिलाड़ी को, प्लेयर्स को, ये खिलाड़ी हो गए। और अगला जो आयत था वो दर्शा रहा था कलाकार को, ठीक है। अब क्वेश्चन पे पहुँचते हैं कि हमें बताना कितने खिलाड़ी हमें बताना है कितने ऐसे खिलाड़ी ना तो कलाकार है और ना ही डॉक्टर है। तो खिलाड़ी क्या था अपना, आयत जो था, आयत नहीं, ये जो वृत्त है वो खिलाड़ी को दर्शाता है, यानी ये पूरा मेरा खिलाड़ी को दर्शा रहा था, ठीक है। अब इस वृत्त में मुझे बताना है कि ना तो कलाकार है और ना ही डॉक्टर है। तो इस वृत्त में ना ही त्रिभुज आना चाहिए ना ही आयत आना चाहिए। तो ये वाला त्रिभुज वाला पार्ट हमें हटाना चाहिए और ये आयत वाला पार्ट भी नहीं आना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे इसमें वृत्त देखना है, तो वृत्त के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाला बचा, यानी ये 25 है। सिर्फ इसमें सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी हैं इस 25 में, बाकी मैच कर रहे हैं ये, इसमें दोनों आ जाएंगे, खिलाड़ी और आयत कलाकार आ जाएंगे। इसमें जो है इस वाले पार्ट में ये आ जाएगा खिलाड़ी और डॉक्टर आ जाएंगे। तो अपना आंसर जो होगा 25। अब देखिए आंसर 25 नहीं दिया, तो इसमें जो होगा आंसर नन ऑफ एबव हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि दिया हुआ है एक रिलेशन से दिया हुआ है, इस रिलेशन्स को देख के हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा। तो चलिए रिलेशन पहले बना ले रहे हैं। ये पहले क्या कह रहा है, पी जो है क्यू के समान अथवा उससे छोटा नहीं है। तो इस चीज़ को समझिए, पी क्यू के समान नहीं है ना ही छोटा है। तो इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि पी क्यू से बड़ा है, ठीक है। जब उसके बराबर भी नहीं होगा, छोटा ही नहीं होगा, तो बड़ा ही तो बचा, तो P बड़ा हो जाएगा Q से। तो ये Q छोटा हो गया, P बड़ा हो गया। अगला देखते हैं, N उतना ही लंबा है जितना कि P, यानी कि ये बराबर में हो गया, ठीक है, बराबर में हो गया, P और N बराबर हो गया। अगला चलते हैं, M जो है N से लंबा या बराबर है, ठीक है। N जो होगा, सॉरी ये M है, M जो होगा N से लंबा या बराबर होगा। तो N से लंबा, लंबा भी हो सकता है, तो लंबा के लिए ये हो गया, और यदि बराबर है तो यहाँ पास हो जाएगा एम, ठीक है। अब कथन के पास चलिए, कौन सा कथन सत्य है। देखिए पी इज टॉलर देन, सॉरी एम इज टॉलर देन पी, यानी कि यह है एम जो है पी से लंबा है, एम जो है पी से लंबा है, हाँ ये केस दे रहा है लंबा है पी से। अगला क्वेश्चन है कि एन और क्यू के समान, एन जो है क्यू के समान अथवा उससे लंबा है, एन जो है क्यू से के समान तो नहीं है, एन जो है क्यू के समान अथवा लंबा नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, तो केवल ए ऑप्शन ही सही हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन को आप गौर से समझिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और लेंदी भी हो सकता है, इसलिए आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए शुरू से स्टार्ट करते हैं कि तीन दोस्त को यात्रा के लिए ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने प्लानिंग की और टैक्सी मालिक से मिले और उनके पास तीन विकल्प आए कि भैया मैं ऐसे करूँगा, ठीक है। तो अब पहले विकल्प के पास जाएंगे, पहला विकल्प क्या कहता है। देखिए पहला विकल्प क्या कहता है कि आप बिना ड्राइवर की टैक्सी किराए पर ले सकते हैं, यानी कि ड्राइवर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ड्राइवर लिख, इसके लिए ड्राइवर नहीं, ठीक है, पहला हो गया ड्राइवर नहीं होगा। और उसका किराया जो होगा, किराया जो होगा टैक्सी का प्रतिदिन की बात है,
तो किराया देखिए मैं छोटे छोटे लिख रहा हूँ क्योंकि अब स्पेस नहीं है, किराया हो जाएगा 2500 रुपये। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि ड्राइवर दूसरी एजेंसी से आ सकता है, ड्राइवर आप दूसरी एजेंसी का ले सकते हैं पर उसका वेतन होगा 500 रुपये पर डे, यानी कि +500 रुपये। ठीक है, प्रतिदिन का किराया है ये हो गया, यानी कि प्रतिदिन इसे कितना पड़ रहा है, 3000, प्रतिदिन 3000 पड़ रहा है। ठीक है, पर डे का लिखा है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन के चलेंगे, बी नंबर क्या कह रहा है। बी कह रहा है कि आप पहली एजेंसी से ड्राइवर के साथ टैक्सी ले सकते हैं और उसका 2800 रुपये प्रतिदिन खर्चा होगा, लेकिन ड्राइवर को प्रतिदिन 250 रुपये राहत कर देना पड़ेगा, यानी कि ड्राइवर तो मैं ले सकता हूँ और उसका जो खर्चा होगा 2800 रुपये प्रतिदिन होगा। यहाँ पास एक चीज़ लिख दीजिएगा, प्रतिदिन +250 रुपये मुझे ड्राइवर को अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, यदि कुल दूरी 1500 किलोमीटर से अधिक होगी, ये दिया है कि यदि दूरी 1500 ज़्यादा होगी तब उसको इतना पैसा देना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट क्या है कि आप बिना ड्राइवर के टैक्सी किराए पर ले सकते हैं और उसका किराया प्रतिदिन 2500 होगा। ठीक है, प्रतिदिन 2500 होगा और ड्राइवर दूसरी एजेंसी से आ सकता है तो उसका वेतन कितना होगा, 50 पैसे प्रति किलोमीटर। इस बात को याद रखना, ठीक है, ये अलग पॉइंट है, 50 पैसे प्रति किलोमीटर, पर किलोमीटर है। ठीक है, पर किलोमीटर 50 पैसे। अब हम मेन क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि वो, ये क्वेश्चन मेरा आ गया, यदि वो 5 दिनों में, 5 दिनों दिन है 5 और 6000 किलोमीटर की कुल यात्रा तय करने की योजना उन्होंने बनाई है तो विकल्प सबसे बेहतर विकल्प कौन सा होता है। तो चलिए अब देख ले रहे हैं, 5 दिन की यात्रा करनी है उन्हें। ठीक है, तो देखो ये जो खर्चा था इसका 1 दिन का था, तो 5 दिन का मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 3000 मल्टीप्लाई बाई 5, ये कितना हो गया, 5 तेई 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 15000, ये 15000 हो गया। ठीक है, अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। देखिए ये 2800 दे रहा है पर डे और 250, यानी कि 2800 मल्टीप्लाई बाई 5, जब मैं 2800 का 5 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 14000। ठीक है, 14000 प्लस एक बात और, 14000 प्लस 250 से एक्स्ट्रा देना है 250, तो ये जो पैसे दे रहा है यहाँ पास लिख दूँगा 14250 रुपये देना पड़ेगा बी ऑप्शन के साथ यदि वो चलेंगे। ठीक है, अब बात करें सी ऑप्शन के पास जाएंगे, सी ऑप्शन में 5 दिन के लिए 2500 के हिसाब से कितना होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 2500 के हिसाब से 5 दिन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 12500। ठीक है, 12500 हो गया ये, और देखिए इसके बाद भी उसे कुछ चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, ये 12000 हो गया प्लस 50 पैसे प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर, और उसे यात्रा कितनी करनी है, 6000 किलोमीटर की करनी है, तो मैं निकाल लूँगा 6000 × 50 पैसे, 6000 × 50 करूँगा तो ये आ जाएगा 304 × 0। ठीक है, ये आ गया, ये पैसे हैं, रुपए कन्वर्ट करने के लिए मुझे 100 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100 का डिवाइड किया 2 तो ये आ जाएगा 3000 आ गया। ठीक है, 3000 रुपये, तो ये 12500 प्लस 3000 रुपये से देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 12, कुल टोटल इसका कितना हुआ, 12000 उधर था 500 और 3000 इधर था, तो आप इसे जोड़ लीजिएगा, 0 0 5 3 8 और ओके सर, ये यहाँ 5 और 3 5 5 और मेरे पास आ जाएगा जी, इतना पैसा इसे देना पड़ेगा 15500। अब मैं देखता हूँ मैं सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल कौन सा है, जो फर्स्ट के साथ चल रहा तो 15000 देना पड़ रहा, सेकेंड के साथ चल रहा 14250 देना पड़ रहा, और थर्ड के साथ 15500, तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल मेरे लिए हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि सबसे पैसा कम बी में दिए, तो ये बी ऑप्शन चूज करेंगे तो मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल, देखिए 250 का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को लिए आप हमेशा ट्रिक का ही यूज कीजिएगा। तो देखिए हमें क्या बताना है कि
फलक के विपरीत यानी कि दाई ओर जो फलक दिया है यानी कि ये जो दो दिया है इसके विपरीत में क्या आएगा अपोजिट में। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो डाइस दी हुई हैं पासा, हम इनमें देख लेंगे घन में कि दो चीज़ें दोनों में सेम देख रहे हैं। तो देखो मैं इन दो पासों की बात कर रहा हूँ तो इन दोनों पास में पाँच सेम है और पाँच सेम है, ठीक है। तो चलिए अब ट्रिक देखिए, पाँच सेम था तो मैं इन दोनों को ले लिया, अब ये पाँच मैंने लिख दिया यहाँ पर, अब मैं इसे क्लॉकवाइज नंबरिंग कर दूंगा, ठीक है। क्लॉकवाइज देखना, तो पाँच पाँच के बाद क्या आया, एक आया, एक के बाद क्या आया, दो आया, अब इसमें भी क्लॉकवाइज वैसे ही करेंगे। तो पाँच के बाद छः आया, तो पाँच पहले पुट कर दो, पाँच के बाद छः आया, छः के बाद चार आया, अब ये नंबर एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। एक के विपरीत छः आएगा, मुझे क्या बताना, दो के विपरीत बताना, दो के विपरीत चार आएगा, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना ये कि इसके समान कौन सा होगा। जैसे दिया पैसा रिलेटेड है रुपया से, तो मुझे क्या बताना है कि इसके समान कौन सा होगा, ठीक है। तो पहले देखिए किलो, आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि पैसा रुपया से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समझना कि 100 पैसे बराबर 1 रुपये होता है, ठीक है। या फिर आप दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं, दूसरी तरीके से ऐसे देख सकते हैं कि पैसा छोटा होगा और रुपया बड़ा होगा, ठीक है। सेम चलेंगे किलोग्राम क्विंटल, किलोग्राम छोटा है क्विंटल बड़ा है, या फिर आप ऐसे कहें 100 किलो बराबर 1 क्विंटल, तो ये ऑप्शन मेरा सही हो गया। नेक्स्ट को भी चेक कर दीजिए, मीटर सेंटीमीटर, तो मीटर बड़ा है सेंटीमीटर, लेकिन अपना ये रिलेशन क्या, पहले छोटा वाला होगा बाद में बड़ा हो, तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो गया। सेम ऐसे ही इनका तो कोई खास रिलेशन बन ही नहीं रहा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनिए जो तर्क दृष्टि नीचे दिए गए कथन के समान है। देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको पहले बता चुका था कि देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब भी और आता है तो और की जगह मैं या प्लेस कर देता हूँ, और जो नहीं, यदि सेंटेंस मेरा वाक्य निगेटिव है नहीं वाला है तो वो मैं पॉजिटिव कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए पहले वाले ऑप्शन के, राम एक विजेता है या श्याम एक विजेता, देखिए ये पॉजिटिव में है और की जगह ये आ गया, तो मेरा ऑप्शन ये सही हो जाए। अब नेक्स्ट भी आप चेक कर सकते हैं, राम एक विजेता नहीं आ गया तो ये गलत हो गया, नहीं तो आना ही नहीं है। सेकंड थर्ड नंबर ऑप्शन की बात है, राम एक विजेता है और श्याम एक विजेता है, देखिए और आ गया, और नहीं होना चाहिए तो और की जगह ये आएगा, तो मेरा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि हमें बताना, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल वही मेथड है, आप बिल्कुल आसानी से कर देंगे। और की जगह मुझे क्या करना है, और ये जो नहीं वाला है, नहीं की जगह मैं पॉजिटिव कर दूंगा। तो पहले ऑप्शन में चलिए, लता को कॉफ़ी पसंद है या गीता को कॉफ़ी पसंद है, सेंटेंस पॉजिटिव है और की जगह ये आया, तो मेरा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, लता को कॉफ़ी पसंद है और गीत, देखिए और आ गया, और नहीं आना चाहिए, गलत हो गया। नेक्स्ट की देखिए, नापसंद है, नहीं वाला आ गया, तो ये भी गलत हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखिए ये क्वेश्चन है कि हमें बताना है, स्टेटमेंट दिया है और कंक्लूजन दिया है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड मैं पार्ट फर्स्ट में बता चुका हूँ और बहुत ही डीपली बताया था, आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे पार्ट फर्स्ट को आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो 7-8 मिनट का वीडियो, अगर मैं वैसा दोबारा बताऊँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो चलिए देखिए, अब ये क्या कह रहा है कि सभी शेर जानवर है और सभी बाघ जानवर है। देखिए मैंने बताया था दो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं यदि दोनों में सेम चीज़ें, देखिए जानवर यहाँ है, जानवर यहाँ है, पर एक और मैं कंडीशन बताया कि दोनों के आगे कम से कम एक में सभी होना चाहिए, तो इन दोनों के आगे सभी नहीं है तो मैं इन्हें जोड़ नहीं सकता। यदि मैं जोड़ नहीं सकता तो बेसिक मेथड का यूज करूँगा, बेसिक मेथड चलिए वेन डायग्राम है। तो अब लिखिए सभी शेर जानवर है, यानी कि जो शेर हैं वो जानवर हैं, तो शेर अंदर हो गया और ये जानवर हो गया। नेक्स्ट कथन कह रहा है सभी बाघ जानवर हैं, सभी बाघ यानी कि बाघ जितने भी होंगे वो जानवर होंगे, तो यानी कि अंदर ये आ गया। देखिए एक और रिलेशन भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये तो दे दिया, अब इनमें भी कुछ रिलेशन हो सकता है, ये दिया नहीं है, शेर और बाघ का रिलेशन बिल्कुल नहीं दिया, पर जानवर के अंदर ये दोनों आ रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही, एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है ऐसी, ये शेर कर दो, ये बाघ कर दो और ये जानवर कर दो, या फिर बाघ को अंदर कर दो, ठीक है। तो चलिए अब हम जाते हैं कंक्लूजन में, कंक्लूजन अपना क्या कह रहा है। देखिए पहला कंक्लूजन कह, सभी बाघ शेर हैं, सभी बाघ शेर हैं ये तो संभव नहीं है,
कुछ भाग शेयर हो सकते हैं, कुछ भाग शेयर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका कोई रिलेशन दिया ही नहीं है। अगर कोई रिलेशन शेयर और भाग में दे देता तो मैं बता देता, लेकिन कोई भी रिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। सॉरी उसके लिए कि देखिए, अब भाग और शेयर में कोई रिलेशन नहीं है तो यहाँ मैं रिलेटेड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। बराबर भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया, ठीक है, निष्कर्ष नहीं दे पा। अगला की बात, कुछ जानवर बाघ नहीं है, कुछ जानवर बाघ नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आप इस चीज़ को समझिए। कुछ जानवर जो हैं बाघ नहीं है, तो देखिए अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सभी बाघ जानवर हैं, पर अगर ये जो ऊपर वाला होता है ना, तो इससे अगर मैं नीचे वाले अंदर वाले का रिलेशन देखता हूँ तो इसी कुछ में आ जाता है। यदि मैं बात करूँ कि कुछ जानवर बाघ नहीं है, तो इसका का इधर से मैं अगर रिलेशन देखूँ तो इसका मतलब यहाँ से देखें कि कुछ जो जानवर हैं, कुछ जो जानवर हैं वो बाघ हैं, और यहाँ पास क्या कह रहा है कि कुछ जानवर बाघ नहीं हैं, तो ये भी स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 21। देखिए यहाँ पास एनोलॉजी का क्वेश्चन है और हमें इसमें बताना है कि ये जो है पहला नंबर दूसरे से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार बताना है कि तीसरा है इसके आगे क्या आएगा। तो चलिए मैं देख ही ले रहा, रिलेशन क्या होंगे, एल आई सॉरी एल जे एच किससे रिलेटेड करता है, के आई से, तो मुझे क्या बताना है, सी आई ए बताना है किससे रिलेटेड होगा। तो देखिए अब एल की नंबरिंग पता है तो आपको एल मतलब 12, जे मतलब 10 और एच मतलब 8 होता है। के की नंबरिंग किंग 11 पंजाब, 11 11 और आई का मतलब होता है 9। अब देखिए इनका क्या रिलेशन है, 12 था 11 यानी कि -1 हुआ है, 10 से 11 हुआ +1 हुआ है, और इसकी बात करूँगा 8 से 9 हुआ +1 हुआ। सेम मुझे करना है, पहले -1 कर दूंगा, +1 करूंगा और +1 करूंगा, -1 करूंगा, ये 3 था, आई का मतलब 9 होता, ए का मतलब 1 होता, 3 से 1 घटाऊंगा 2 आएगा, 2 में बी होता है, 9 से 1 जोड़ूंगा 10 आएगा, 10 का मतलब क्या होता, जे होता है, 1 था, 1 में 1 जोड़ूंगा 2 आए, 2 का मतलब बी होता, तो मेरे पास ये आंसर है बीजेबी। बीजेबी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक विक्रेता प्रतिनिधि से योजना बनाई कि वह एम एन पी क्यू आर और यस 6 कंपनियों में हर एक कंपनी में दिन के क्रियाविधि में एक बार जाएगा, ठीक है, तो उसने उसका दिन का कार्यक्रम तय किया और निम्न शर्तों के अनुसार, यहाँ पास कुछ शर्तें दिया हुआ उस हिसाब से किया। देखिए शर्त पहली क्या है कि उसे एन से पहले एम से मिलना है, यानी कि पहले एम से मिलेगा बाद में एम से मिलेगा, तो पहले एम कर दीजिए और फिर एन कर दीजिए, ठीक है। अगली शर्त क्या है, क्यू से पहले एन से मिलना है, यानी कि पहले एन से मिलेगा बाद में क्यू में मिले, यानी कि इसके बाद क्यू आ जाएगा। थर्ड क्या कह रहा है, तीसरी कंपनी जिसमें वह जाता है जाती है पी है, यानी कि देखिए एक तो कंफर्म हो गया कि थर्ड नंबर की पार्टी जो है कंपनी जो है वो पी होगी, थर्ड नंबर में पी होगा। अब देखिए यहाँ पास अगर विक्रेता प्रतिनिधि पहले एस पे जाता है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे एस पे गया, फर्स्ट नंबर पे गया एस पे, यहाँ पास सेकेंड हो जाएगा। अब बताना है कि दूसरी कंपनी में वह दूसरी बार जाएगा, यानी कि कौन सी कंपनी है जब वो दूसरी जाएगा। तो देखिए यहाँ पास एम एन क्यू में रिलेशन दिया हुआ है, एम में पहले जाएगा बाद में एन पे जाएगा और बाद में क्यू पे जाएगा, तो यहाँ पास सेकेंड नंबर पे सिर्फ एम ही बचेगा ऐसा, फिर बाद में क्यू जाएगा और फिर एन जाएगा और बाद में क्यू जाएगा, तो मेरा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ए नंबर। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, ये सिलोलॉजी का क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि स्टेटमेंट दिया है, मेरा कथन दिया है कि सभी शैम्पू साबुन है और कुछ शैम्पू तेल है। देखिए यहाँ पास मैं पहले तेल नहीं है, देखिए ये नहीं वाला सेंटेंस आ गया है, ठीक है। अब जब भी नहीं वाला सेंटेंस आता है आपके पास, एक चीज़ का याद रखना कि आप इसमें जो एडिंग वाला था आप जोड़ नहीं सकते हो, ठीक है, कि पहले हम जब जोड़ देते थे ना सेम ही पॉजिटिव पॉजिटिव को ही जोड़ेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव को हम सेंटेंस को नहीं जोड़ेंगे। तो चलिए इसमें भी हमें वेन डायग्राम का ही सहारा लेना पड़ेगा, तो वेन डायग्राम देख लेते हैं। सभी शैम्पू साबुन है, तो शैम्पू अंदर हो गया, साबुन हो गया, ये शैम्पू हो गया और ये
साबुन, चले ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, साबुन हो गया। अगला क्या कह रहा, कुछ शैम्पू तेल नहीं है, कुछ शैम्पू, ये जो शैम्पू हैं, कुछ जो शैम्पू हैं वो तेल नहीं है, तेल यहाँ कर दीजिए और यहाँ से इससे रिलेशन दे दीजिए, यानी कि तेल नहीं है कुछ शैम्पू, सारे की बात भी नहीं चल रही, कुछ की बात चल रही है, ठीक है। अब हम पहुँचते हैं निष्कर्ष में, निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी तेल साबुन है, सभी तेल साबुन है, ठीक है, इस चीज़ को समझना। और स्टेटमेंट क्या कहा था कि सभी शैम्पू साबुन हैं और कुछ शैम्पू तेल नहीं है, तो अपना स्टेटमेंट जो है कह रहा है कि सभी तेल, जो सभी तेल है वो साबुन है, वो संभव ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ कह रहा है कि कुछ तेल जो है वो साबुन नहीं है पर कुछ हैं, तो कुछ अगर बोल देता कुछ तेल साबुन है तो ठीक था, लेकिन ये सभी बोल दिया तो ये स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग हो गया। अगला क्या कह, सभी साबुन तेल है, तो सभी साबुन तेल तो हो ही नहीं सकता, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, यहाँ कुछ की बात करता तो भी सही हो जाता, लेकिन तो इसे सेम वैसे ही ये स्टेट नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की 25 की तरफ चलेंगे, ठीक है, इसे हमें तर्क दृष्टि से बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। चलिए ये देखिए, इससे पहले भी ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेम वैसा ही रिलेशन है, नहीं को मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दूंगा और को या में कन्वर्ट कर दूँगा। अब देखिए यहाँ पास या वाले कितने हैं, या वाले मेरे पास सिर्फ एक ही है, तो मैं इसे एक कर दूंगा। अब इसमें देख लो कि पॉजिटिव है कि नहीं है, घोड़े की धारियाँ हैं, घोड़े की और जबरे की धारियाँ हैं, ठीक है, पॉजिटिव है तो मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा, इनमें नहीं है तो ये गलत हो गया, और यहाँ पास और है तो गलत हो गया। अगले क्वेश्चन 27 की तरफ चलेंगे, 27 क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में कितनी ऐसी संख्या है जो बिल्कुल इसके तत्काल पूर्ववर्ती संख्या से विभाजित हो लेकिन इसके तत्काल निम्नलिखित संख्या से बिल्कुल विभाजित नहीं है, ठीक है, इस सेंटेंस को समझना, ठीक है, कि मुझे ऐसी कितनी इवन नंबर से दिखे, इंग्लिश में आप देख ले रहा हूँ, ऐसी कितनी इवेंट्स नंबर हैं जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाई हैं इमीडिएटली प्रिसीडिंग बाई बट नॉट एग्जैक्ट डिविजिबल बाई इमीडिएटली फॉलो बाई, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ऐसी कितनी इवेंट संख्या है जो इसके पहले जो संख्या उससे विभाजित हो जाए और बाद की जो संख्या उससे विभाजित ना हो। तो आप यहाँ पास देख लीजिएगा, आप पहले इवेंट संख्या देखो, ये एक ये है, एक ये है, उसके बाद 2, 8, 4, 8, 4, 2, 8, 2, ये मेरी इवन नंबर है, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है कि इसमें पहले वाले से डिवाइड हो, उसके पहले वाले से बाद वाले से डिवाइड ना हो। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पास आगे पहुँचते हैं, देखिए ये ऑप्शन पहुँच, यहाँ पास देखिए ये एक 8 जो संख्या है पहले डिवाइड है 2 से, ठीक है, और 3 से डिवाइड नहीं होगी, विभाजित नहीं होगी, 2 से विभाजित हो रही, तो एक ये हो गया। आगे की बात करूँगा, ये फिर सेकेंड 8 नंबर जो है 4 से विभाजित हो जाएगी पर 9 से विभाजित नहीं होगी। आगे पहुंचेंगे कि आगे देखिए, आगे जो है ये 2 जो है, ठीक है, 2 जो है विभाजित हो रही है, ठीक है, 2 विभाजित हो रही है किससे, 4 से, पर 1 से विभाजित नहीं हो रही है, ठीक है, 1 से विभाजित नहीं हो रही है, लेकिन सॉरी, एक से विभाजित, एक से, एक तो हर एक संख्या में विभाजित हो जाएगी तो नहीं का सवाल ही नहीं है, तो एक से भी विभाजित हो रही तो ये कट जाएगा, तो सिर्फ मेरे पास 2 ही ऐसी संख्या हैं, तो ये ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, 1 से तो किसी में भी भाग चला जाता है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, यदि क्रीम कैप कहकर का मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है तो ये प्रोग्रामिंग है, और यह कह रहा है कि यह प्रोग्रामिंग है तो क्रीम क्रैकर है, इस सेंटेंस का मुझे बताना है कि सही है, 4 ऑप्शन दिए, पहला सही, सेकंड गलत हो सकता है और नहीं भी हो सकता, तो यह क्रीम है तो यह प्रोग्रामिंग है और पूछ रहे यह क्रीम क्रैकर है, तो यहाँ देखिए क्रीम क्रैपल का क्रैकर का मतलब ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, ठीक है, तो क्रीम दोनों का मतलब है, क्रीम और क्रैकर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, और यह कहते हैं यह प्रोग्रामिंग है तो यह क्रीम क्रैकर हो सकता है, ठीक है, ये कन्फर्म नहीं कह सकते है पर यह हो सकता है, तो मे बी ऑप्शन नंबर डी सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन है सिलोलॉजिज्म का और हमें वही मेथड का यूज करना है, पर देखिए यहाँ पास यहाँ फिल्में पर सभी है, तो मैं इस सेंटेंस को जोड़ दूंगा, ठीक है, जब मैं सेंटेंस को जोड़ देता हूँ
तो ये ऑप्शन कट जाता है। अब मैं निष्कर्ष में पहुंचा, सभी खेल बैग हैं। देखिए सभी खेल बैग हैं, स्टेटमेंट पहला सही हो गया। अगला सभी बैग खेल है, हम बैग से खेल की तरफ चलें, बैग से खेल की तरफ पहुंच तो जा रहे हैं, पर यहाँ बैग के आगे सभी नहीं होता, बैग के आगे होता है कुछ। यदि यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ मैं कुछ कुछ दिया होता है सम, तो सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाएगा, सिर्फ निष्कर्ष पहला सही हो जाएगा, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की तरफ चलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट की तरह ही सेम क्वेश्चन है, तो अब मुझे देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ देख लीजिए, व्रत कॉलेज के प्रोफेसर को व्रत प्रस्तुत करते, व्रत का मतलब प्रोफेसर, ठीक है। अगला क्या है, त्रिकोण त्रिभुज जो है वो किसे दर्शाता है, शल्य चिकित्सक, ठीक है, शल्य चिकित्सक विशेषज्ञ, ठीक है। अगला जो है, जो आयत है, आयत किसे दिखाता है, आयु विज्ञान चिकित्सक, ठीक है, आयु विज्ञान चिकित्सक, ठीक है। अब देखिए मेन क्वेश्चन क्या कहता है, मेन क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन कॉलेज के प्राध्यापकों और शैली विशेषज्ञ को प्रस्तुत करता है, ठीक है, यानी कि दोनों को दिखा रहा है, कॉलेज का प्रोफेसर ये, यानी कि व्रत और शैल चिकित्सक, यानी कि ये दोनों होना चाहिए। तो देख लिए दोनों किस चीज़ में है, तो देखिए ये ए में ए की बात करेंगे सिर्फ व्रत है, डी की बात करेंगे इसमें त्रिभुज भी है और व्रत भी है, तो ये मेरा और डी सही हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए मैं और देखिए, जैसे बी की बात करूँ, बी में तो मेरा आयत हो गया, आयत तो होना नहीं चाहिए, वाई की बात में आयत, ये तीनों हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बताना है कि निम्नलिखित वह युग्म बताइए जो बाकियों से अलग है, ठीक है, मुझे अलग बताना है। तो देखिए कलर है, काला है, सफ़ेद है, अंदर बाहर है, सस्ता हथियार है, ऊँचा। देखिए ये तीनों जो हैं और ये एक दूसरे के अपोजिट, ऊँचा का नीचा, अंदर का बाहर, काला का सफ़ेद, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, क्योंकि मुझे बताना बाकियों से अलग जो है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 36 नंबर क्वेश्चन। ओहो देखिए ये पजल का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको हमेशा स्टेप बाय स्टेप करेंगे, अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, पाँच व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एक समूह में, ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इनमें से एक विशेषज्ञ है, ठीक है, तो यहाँ पास पहले आप व्यक्ति लिख लीजिए, पर्सन, ठीक है, यहाँ पास में आप स्टेप स्टेप व्यक्ति करिए, फिर यहाँ पास उनका पेशा लिख दिए, प्रोफेशन दिया हुआ ना, पेशा दिया हुआ, और अगला समझ लीजिए यहाँ पास कि ये पसंद ना पसंद, ठीक है, तीन चीज़ का रिलेशन में बताना है, ठीक है, पसंद। अब देखिए आप पहुँचिए, उनमें से ये हैं, दिया हुआ है उद्योगपति, वकील, शास्त्री, अगला क्या कह रहा है कि इनमें से, ठीक है, इनमें से तीन, इस पॉइंट को नोट कीजिए, तीन ए सी और वकील कॉफ़ी की बजाय चाय पसंद करते हैं, यानी कि ए सी और वकील, वकील लिखा ना, वकील क्या पसंद करते हैं, ये चाय पसंद करते हैं, ये चाय चाय और चाय पसंद हो गई, इन दोनों का प्रोफेशन मुझे नहीं पता भी, ठीक है। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, चाय पसंद करते हैं, और दो जो हैं बी और पत्रकार कॉफ़ी पसंद करते हैं, बचे हुए दो जो हैं बी और कौन है भैया, अगला कौन है, ये है पत्रकार जी, ये क्या पसंद करते हैं, ये दोनों कॉफ़ी पसंद करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास इतने अननोन है, नेक्स्ट चलेंगे। देखिए अगला क्या कहता है, चौथा नंबर, कि उद्योगपति डी और ए एक दूसरे के मित्र हैं, परंतु इनमें से दो चाय की बजाय कॉफ़ी पसंद करते हैं, उद्योगपति डी और ए, ठीक है, उद्योगपति डी और ए जो हैं कॉफ़ी की, इनमें से दो जो होंगे कॉफ़ी की, दो जो है चाय की बजाय कॉफ़ी पसंद करेंगे, तो ठीक है। अब मैं देख ले रहा हूँ कि ठीक है, बी है, बी की बात नहीं किया, उसने क्या किया, उद्योगपति है और डी और ए तीन लोग दिया है, उनमें से
जो है दो चाय की बजाय, कि इन तीनों में, ये तीनों में से दो लोग कॉफ़ी पसंद करते, एक लोग चाय। ए का तो ऑलरेडी दे चुका है, ए चाय पसंद करता है, तो ठीक है ए चाय पसंद किया, ए को हटा। अब यहाँ पर डी और उद्योगपति बचे, ये कॉफ़ी पसंद करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास कॉफ़ी पसंद करने वाले सिर्फ दो ही लोग थे, दो में एक का पैसा दे दिया पत्रकार, तो दूसरे का पैसा क्या हो जाएगा, उद्योगपति, उद्योगपति, उद्योगपति हो गया दूसरे का पैसा। और एक चीज़ और कहा, डी के बारे में भी दिया है, डी भी कॉफ़ी पसंद करता है, तो कॉफ़ी वाला एक ही बचा, तो डी मेरा यहाँ हो चुका है। अब मेरे पास क्या बचा भाई, ठीक है। अब ये तो सिंपल था, डी यहाँ आ गया तो एक ही चीज़ था, तो ई यहाँ हो गया। अब इनका पैसा पता करना है मुझे। चलिए आगे और दिया पाँचवा नंबर, उद्यान विशेषज्ञ सी का भाई है, उद्यान विशेषज्ञ जो होगा सी का भाई, यहाँ ए और सी बचे, तो सी का भाई यानी कि सी नहीं है, तो उद्यान विशेषज्ञ जो होगा यहाँ हो गया, उद्यान विशेषज्ञ, ठीक है, उद्यान विशेषज्ञ। अब मेरे पास क्या बचा, सिर्फ सी का, मुझे नहीं पता क्या पैसा है, तो सारों का पता है, सी का नहीं पता, तो सी का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा भौतिकी शास्त्री, ये भौतिकी, ठीक है, शास्त्री। अब मेन क्वेश्चन क्या कह रहा, मेन क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समूह में वह एक व्यक्ति जिसे चाय पसंद है पर वकील नहीं है, तो वकील वाला आप पहले काट दो। दो व्यक्ति दी हुई है, हमें बताना है कि एक जो होना चाहिए चाय पसंद होना चाहिए पर वकील नहीं है, तो पहले ऑप्शन में चलेंगे डी। ई डी क्या है, डी को कॉफ़ी पसंद है, ई वकील है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, वकील नहीं होना चाहिए। अगले ऑप्शन की चलोगे बी और डी, बी कॉफ़ी है, डी भी कॉफ़ी है, ये भी गलत हो जाए क्योंकि एक को चाय होना चाहिए, दोनों कॉफ़ी नहीं हो सकता। अगला चलते हैं सी ई, सी क्या है, सी चाय पी रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। और ई क्या है, ई जो है वकील है, चाय वाला है, वकील है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, वकील नहीं होना चाहिए। अगला ऑप्शन है ए और डी, तो ऑब्वियसली यही सही होगा। अब देख ले ए क्या है, चाय पीता है, ठीक है, चाय पसंद है, और डी भी कॉफ़ी पसंद है, तो ये एक को कॉफ़ी हो गई, एक को चाय हो गया, सही ऑप्शन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 39 नंबर क्वेश्चन, ये 39 नंबर क्वेश्चन ब्लड एंड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे करने के लिए आप देख लीजिए क्या क्या रिलेशन दिया हुआ है, तो आपका यहाँ देख लीजिए कि एक्स प्लस वाई का मतलब एक्स वाई की बेटी है, ठीक है, प्लस का मतलब बेटी, यहाँ पास लिख लीजिए प्लस का मतलब है बेटी, ठीक है, जैसे बता रहा वैसे कीजिए। एक्स माइनस वाई, माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, पति है, वाई का पति है। एक्स गुणे वाई का मतलब है एक्स वाई का भाई है, गुणे का मतलब हो गया भाई, ओके। अब इसका मुझे बताना है क्या सत्य है, तो ए गुणे बी प्लस सी, गुणे का मतलब भाई, ठीक है, प्लस का मतलब बेटी, ठीक है। अब देखो, अब पहले ऑप्शन में पहुंच जाइए, ए यहाँ से, ए सी का भाई है, ए सी का भाई कैसे हो सकता है, देखिए सी सी की बेटी बी है, और बेटी का भाई यानी कि बेटा हो गया, ये से यानी कि सी का जो रिलेशन है बेटा का रिलेशन, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगला ऑप्शन ए जो है सी की बेटी है, सी का बेटा, ये भी गलत हो गया, यानी कि ये बी वाली, बी को अगर बोलता बेटी थी, सी की बेटी बी है पर बेटा ए है, ए सी का बेटा है, हाँ ये सही है, ए सी का पति गलत है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखिए ये अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वर्ड जो दिया है रेट्रोग्रेशन, शब्द में कितनी बार स्वर व्यंजनों से पूर्व आता है, तो चलिए आप इसे पहले लिख लीजिए, रेट्रोग्रेशन, आर ई टी आर ओ, रेट्रोग्रेशन, जी आर ई डबल एच आई ओ एन, पूछ रहा है स्वर व्यंजनों के पूर्व आता है, ठीक है। तो आप पहले स्वर देख लीजिए, स्वर कितने हैं, ए ई आई ओ यू, ये पहले हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यानी ये पांच स्वर है मेरे पास, ठीक है। अब मुझे बताना है कि ये इनके पहले ये जो हैं, ये जो स्वर आए हैं, मुझे इनके देखना पहले कितने व्यंजन आ रहे हैं, तो इसके पहले देखो चले जाओ, एक व्यंजन आया ये पहले से, ई के पहले, आर के पहले भी व्यंजन आ रहा है, ओ के पहले, सॉरी आर व्यंजन ही है, फिर यहाँ थर्ड नंबर फिर आर व्यंजन है, तो ई आर हो गया, आई के पहले भी है, ठीक है,
अब देखिए ओ भी स्वर था, स्वर के पहले फिर स्वर आ गया, तो ये मेरा नहीं माना जाएगा, तो मेरे पास चार हो गए, 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 6 में इसके आगे के जो भी क्वेश्चन है रीजनिंग और मैथ के लेके आएंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब की जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइए, और इस वीडियो को आप फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।